तो ये डालिए लता, नहीं गेहूं तुम्हारा गद्दा गिर। नहीं गेहूं कितने लाए हो? एक कुंटल? ये तो एक कुंटल जैसे नहीं लग रहे। अच्छा एक कट्टा अंदर भी है अभी, बाकी तुम्हारे पुराने भी तो बहुत है वहाँ, तुम्हारा साल पूरा चल जाएगा। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंड ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, यहाँ हम सब भी अच्छे हैं। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमारा हो गया और ना बच्चे स्कूल को चले गए हैं, और अब धोती हूँ कपड़े, बाकी सारा काम हो गया है, कपड़े धोती हूँ अभी। ये भी घर पे ही, ये थोड़ी देर में ड्यूटी को जाएंगे। और चलिए, मौसम हो रहा है बढ़िया, मतलब धूप तो लगी हुई है पर पहाड़ों में आग लगने के कारण ना यहाँ हल्की हल्की सी धुंधलापन है, मतलब कि एकदम साफ धूप नहीं है और हवा चल रही है। हवा तो अच्छी चल रही है और हल्की धूप भी है पहाड़ों में, जंगलों में आग लगने के कारण मौसम अजीब हो रहा है यहाँ को भी, हल्द्वानी में भी। तो चलिए कपड़े धो लेते हैं, बातें कम काम ज़्यादा, कपड़े धो लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को बाद में। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो गया है और लता ने ना यहाँ पर गेहूँ डाल दिए। जितना मैं बोलती हूँ उतनी खांसी हो जाती है, तो यहाँ पर इनने पुराने गेहूँ बाहर धूप में धूप लगाने रख दिए हैं, मतलब धूप लगाने पुराने गेहूँ, और नए नए गेहूँ भी लेके आए हैं। तो वहाँ क्या कर रहे हो? और हैं अभी? अरे ये नए वाले, तो वहाँ पर नए वाले गेहूँ डालेगी, यहाँ इनके पुराने गेहूँ हैं। तो मैंने बनाई है चाय, हम लोग चाय पी लेते हैं। तो ये डालिए लता, नए गेहूँ तुम्हारा गद्दा गिर। नए गेहूँ कितने लाए हो? एक कुंटल। तो यहाँ पर मैंने बना दी है मिस्री वाली चाय, चाय पीते हैं हम लोग। पकड़ना है तो फटेगा तो नहीं कट्टा? वो ड्रम के सब डाल रही है। तो उनको जो ऊपर से डालना, पुराने वाले खाना ना पहले, पुराने नीचे से आएंगे फिर ऊपर को। अच्छा में दवाई डालना ना, तब रहते हैं सही, नहीं तो फिर खराब हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा। कौन सा कपूर? पूजा वाला होता है एक, कपड़ों वाला। जितनी बदबू आ गई है गेहूं में से, तो वो वाली स्मेल आ रही हो, वो खुशबू कपड़ों वाली। तो तुम कैसे, तुमने तुमसे किसने बोला इसमें कपूर जाता है? कट्टे उड़ गए, कट्टे उड़ गए, उड़ गए। कितने कुंटल थे उस समय? ढाई कुंटल ठहरा है। बाप रे, सब बर्बाद गया होगा फिर। अच्छा हो, उसकी जो हवा होगी वो उड़ गई होगी। अब मौसम भी अजीब हो रहा है, हाँ ध्यान देना बाहर को, हल्का बादल लगा है ना, हाँ तेज धूप नहीं है ना, डर लगती है ऐसे में गेहूं बाहर डालने में, कहीं बारिश आ गई पता लग रहा है। हाँ जंगलों में आग लगी है ना पहाड़ों में। दोस्तों कपड़े तो मैं धोती हूँ, पहले मैं ना आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना पुदीना लगा रखा है, पुदीना। अब हम खाएंगे इसमें बढ़िया सी चटनी, स्ट्रॉबेरी वाला पेड़ है, यहाँ पर भी है पुदीना लता के गमले में, लता ने लगा रखा है। यहाँ पर मिर्च के पेड़ परसों लगाए थे, आज तीसरे दिन में इसके, मतलब परसों बीज डाला था, दो दिन पहले इसने बीज डाला था, तीसरे दिन में इसमें कलियाँ आ गई हैं, देखो पेड़ आ गए हैं छोटे छोटे से मिर्च के। तो दोस्तों मेरा खाना वगैरह बन गया है, खाने में मैंने बनाया है सिंपल सी कद्दू की सब्जी और चावल, और साथ में है दही, तो आज वही खाने का मन हो रहा था, और बच्चों को भी डिमांड थी कि ऐसा है, और दाल वाल ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे, तो मतलब आयुष और मैं, तो अब जाके ना पहले मैं बच्चों को ले आती हूँ, बज गया दिन का डेढ़, बच्चों को ले आती हूँ, उसके बाद फिर आके ना हम लोग खाना खाएंगे, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ बच्चों को स्कूल से, और बज गया है डेढ़ बजे, बच्चों को मैं ले आई हूँ, अब ना हम खाना खाते हैं। क्या देखा आज स्कूल में? वीआर मतलब मीन्स मेटावर्स, वीआर से भी पढ़ाई करेंगे अब, उसके लिए परमानेंट, उसके लिए परमानेंट, तो फिर उसके लिए चार्ज है कुछ, तो उससे पढ़ाई करेंगे, तो उसमें ऐसा रियलिस्टिक फील आ रहा था जैसे कि हम सच में
माउंटेन्स के ऊपर उड़ा और हमें वोल्केनो ब्लास्ट होते हुए भी देखा। तो बच्चों को आज स्कूल में ना मैजिक शो करवाया, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। आयुष बोल रहे हैं मतलब कुछ ऐसा वीआर, क्या वीआर अलग है। हाँ मतलब जो भी है मैं अच्छा वीआर अलग है, मुझे नहीं पता है बच्चे मतलब आयुष बोल रहा है वीआर दिखाया तो मैजिक शो में तो एक अंकल आया क्या दिखाया आज इनके स्कूल में था मैजिक शो। 25 बार पानी डाला इतने घड़े से और उसमें भरा नहीं था, पूरी बाल्टी दो बाल्टी भर गई उससे घड़ा खत्म नहीं हुआ। अच्छा घड़ा भरा नहीं, घड़ा खत्म नहीं हुआ। अच्छा मतलब बाल्टी में खाली करा होगा तो घड़ा का पानी खत्म नहीं, फिर भी उसमें पानी था ऐसा दो बाल्टी के बाद। अच्छा तो सारे बच्चों को एक साथ कराया कि अलग अलग? सबको एक साथ एक एक करके करते हैं जो अभी किसी के बाद। हाँ तो चलिए आज स्कूल में बच्चों के मैजिक शो था और आते ही काफी खुश हैं, और काफी खुश होने के बाद आयुष के हाथ में पड़ चुका है दूसरा फोन मेरा, अभी छीनती हूँ और खाना देती हूँ। आयुष सही से रह ले, खाना ला रही हूँ मैं, बस खाना ला रही हूँ मैं, 5 मिनट में खाना ला रही हूँ। इनके फोन देखने से अच्छा तो इनको खाना देने में बिजी कर दो। और बच्चों ने आते ही कपड़े ऐसे फेंक रखे हैं देखिए आप, अब ये सब मुझे सही करना पड़ेगा। तो चलिए खाना खा लेते फिर मिलते आपको, इनके हाथ से फोन छीनती हूँ पहले, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। और ये ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी से आएंगे फिर उस टाइम पे खाएंगे खाना, ये आते 3 या 3:15 बजे के बीच में आते खाना खाने, तब तक तो हम कहाँ, अभी वैसे 1:45 हो गया, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो सुबह के लिए ना आज सुबह ही मैं सब्जी ले आई थी, दिन के लिए मैं कद्दू लेके आई, और सुबह के लिए ये सुबह नाश्ते के लिए मैं बैगन ले आई हूँ, फ्रिज में रखती हूँ अभी नहीं, यहाँ फ्रिज में मैंने लौकी रख दिया, शाम को लौकी बनाऊंगी और बैगन रख देती हूँ, बैगन यहाँ रखती हूँ, बैगन भी रख दिए हैं, लौकी ये सब्जियाँ नीचे रखी हैं, खीरा है, एक ठंडा खीरा काटती हूँ। तो दोस्तों हो चुकी है शाम, शाम का बज गया 5:15 और इसमें ना गेहूँ उठा रहे बोलते बोलते खांसी हो जाती है, तो लगा लोगे गेहूँ उठा रहे, छोटी सी बच्ची ने ना सारे गेहूँ छलका दिए, भानु मत कर सारे गेहूँ छलका दिए। तो मैं बोल रही हूँ लता से कि मैं भी ना थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, लता की गेहूँ खा रही हूँ बहुत सारे गेहूँ हैं, तो पता फिर बाद में ये हमारी हेल्प करे, है ना। भानु गेहूं से उठ, उठो, ये गिरा दिया उसको, गिरा दिया, लगी गोलू घुमा रहा था प्रियांशु को, गिरा दिया, लग गई, लगी 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 यार, रोने वाला मुंह तो और का इसका, प्रियांश का रोने वाला मुंह और का। तो दोस्तों मैं ना लता से बोली गेहूँ रख देती हूँ, पर लता मना कर रही है, वो बोली भानु रखेगा, भानु और लता रख रहे मतलब लता का बेटा, तो वो मेरे से लता मना कर रही है, मैंने कहा चलो मैं रखती नहीं हूँ तो ब्लॉग तो बना ही देती हूँ ना, तो ब्लॉग बना रही हूँ। ये देख अच्छी मच्छी लग रही, ऐसे न्यूज़पेपर भी तो ले आते हैं। हाँ मैंने कितने दिन देखा है यहाँ, जैसे मॉर्निंग वॉक में लोग घूमते हैं ना तो उनके डॉगी ऐसे बोले जाते हैं न्यूज़पेपर, इसको भी सिखा देना है न्यूज़पेपर ले जाना। पकड़ू कट्टा ऐसे ले जा रहे हो,
प्रियांश की नोजी छेद दी है प्रियांश की मम्मी ने, अच्छी लग रही है। लता ने बोला जिसको आइसक्रीम खानी है गेहूँ उठाओ, बच्चे सब लग गए। किस किस को खानी है आइसक्रीम, किस किस को खानी है आइसक्रीम, जो गेहूँ जी जी इसको आइसक्रीम खानी है गेहूँ उठाओ। तो यहाँ पर बज गया है शाम का 1:15 और मैं ना चाय बना रही हूँ। तो दोस्तों हो चुकी है शाम और शाम का समय हो गया, मतलब बज गया 7:30 और ना मैं यूज को पढ़ाने बैठी हूँ। तो सब्जी बन गई है मेरी, लौकी की सब्जी बन गई है, आटा मैंने गूंद दिया है। अभी मैं ना 8 बजे से रोटियां बनाना शुरू करूंगी। तो थोड़ी देर पहले मैं यूबी को पढ़ाती हूँ, इसके स्टोरी वगैरह पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। दोस्तों रात हो गई है, रात का बज गया 9:15 और ना हवाएं चल रही हैं तेज तेज और बारिश वाला मौसम भी बना है, क्या पता बारिश भी हो सकती है आज। रात हो गई है, कपड़े उठा के लाने, कपड़े भी हमारे ना बाहर ही है क्योंकि मैं शाम के समय डालती हूँ, क्योंकि दिन में कपड़े धो के डालो तो उनका रंग उतर जाता है, इसलिए शाम के समय कपड़े धो के डालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो अभी ना रात के 9:15 मतलब 9:15 या 9 ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो ना अभी जैसे बाहर आए हैं हम लोग तो बारिश के छींटे ऐसे गिरे, एक दो ही गिरे हैं बारिश के छींटे ऐसे, क्या पता बारिश आ सकती है, आ जाती ना अच्छा। तो यहाँ तारे भी नहीं दिख रहे हैं आसमान में, एक तारा नहीं दिख रहा है मौसम, पर हवाएं चल रही है। दोस्तों बाहर से आ गए हैं अंदर और अभी ना पहले कपड़े उठा के लाए क्योंकि मौसम ना खराब हो रहा है, क्या पता शायद बारिश भी आ सकती है, तो कपड़े उठा के ले आए हैं बाहर से और ना आप खाना खाते हैं। तो यूबी ने खा लिया, अभी हम तीनों हैं, मतलब ये मैं और आयुष हैं, तो हम तीनों खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।